हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से कास्टर रोहन के यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड आज के दिन के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सुपर पास सीजन 17 के अपकमिंग रिवार्ड्स को, जो कि आपको बहुत ही जल्द इन गेम भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, 1 नवंबर को आपको ये सुपर पास देखने के लिए मिलेगा। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि सुपर पास के अंदर कौन कौन से वो रिवार्ड्स हैं जिनके लिए आप इंतजार कर रहे हो। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सुपर पास का ट्रेलर जरूर दिखाना चाहूंगा, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। एंड इस सुपर पास के साथ साथ शायद वो शार्क वाला जो कैरेक्टर है ना, वो भी देखने के लिए मिलेगा हमको। ओके, सो अब तक तो आपने ट्रेलर देख ही लिया होगा। एंड अब हम बढ़ते हैं सुपर पास के तरफ, जो कि हमारा मेन मसला होने वाला है। सबसे पहले सुपर पास के अंदर जाते ही आप लोग गौर कर पाओगे कुकीज को, जो कि हमेशा हमारे साथ बर्बाद करने की हमारे जिंदगी को आ जाता है। लेकिन उसके ठीक नीचे लाइट पास के अंदर हमको एक बंडल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक लड़की का बंडल लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या है उसके अंदर। ओके, सो ये लड़की यहाँ पर एक बंडल के रूप से आने वाली है, मतलब इसका ड्रेस आने वाली है। एंड मुझे ये ड्रेस काफी ज्यादा बेहतरीन ही लगा, बिकॉज रेड एंड ब्लैक का, एक्चुअली ब्लैक एंड पिंक का एक कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। क्या मुझे साउथ कोरिया का ब्लैक पिंक कहना चाहिए, एक्चुअली उसी का थीम का मुझे लग रहा है। लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं कि 10वें लेवल पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक बैकग्राउंड कार्ड, जो कि हमारे सुपर सस ऑफिशियल के अंदर कुछ और लेवल्स पर भी रह सकता है। फिलहाल साथ ही साथ आपको एक हेडसेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक नट बोल्ट वाला हेडसेट रहने वाला है आपके छोटू से कैरेक्टर के लिए। लेकिन ठीक उसके आगे चलते चलते हम लोग देख सकते हैं 20वें लेवल के अंदर एक बेहतरीन पोज, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा काम में आएगा थंबनेल्स बनाने के लिए। लेकिन ये पोज मुझे ठीक ठाक सही लगा, मैं इसे 7/10 रेट करना चाहूंगा। ठीक उसके तरफ आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग पॉट कर सकते हैं एक बेहतरीन बैकपैक को, एक्चुअली बैकपैक नहीं, ये गिटार है। एंड जी हाँ, वो चमक काफी ज्यादा रहा है, मतलब अंधेरे के अंदर एक चमक जो कि इस गिटार के साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल उसके आगे बढ़ते हम लोग स्पॉट कर सकते हैं एक बेहतरीन कार्ड को दोबारा। जी हाँ, कार्ड्स के साथ काफी ज्यादा खिलवाड़ कर रहा है सुपर पास। लेकिन जी हाँ, ये कार्ड आपको नॉर्मल सुपर पास के अंदर नजर आएगा, जो कि काफी डिसेंट सा कार्ड है फॉर द सुपर पास नॉर्मल। लेकिन एलाइट वालों के लिए नेक्स्ट लेवल पर ही, मतलब 35 लेवल पर ही आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा कार्ड, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा शानदार है। फिलहाल आगे बढ़ते अगर हम जाते हैं तो ये डांस वाला इमोजी जो कि आपको नजर आएगा, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है मुझे तो। एंड मैं इस सुपर पास को खरीदने की सोचूंगा, अगर आप चैट सेक्शन के अंदर मुझे बताओगे। लेकिन जी हाँ, ये शायद एक इनफाइनाइट डांस होने वाला है, उसके बाद हम देख सकते हैं वालों जैकेट है, जो कि अपने छोटू इंसान को पहना दिया जा सकता है। एंड मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग स्पॉट कर सकते हैं गोल्ड स्टार्स को, एंड उसके बाद फ्री वालों के लिए शार्ट्स रहने वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पोजेस की बात करें तो ये वाला पोज मुझे सबसे बेहतरीन लगा है, कैरियोके वाला पोज रहने वाला है, मतलब कि हमारे नेक्स्ट सुपर पास के अंदर कैरियोके थीम भी ऐड कर दिया जाएगा शायद। लेकिन मुझे ये पोज सच में काफी ज्यादा बेहतरीन लगा विद द गोल्डन माइक। लेकिन फ्री सुपर पास के लिए फिलहाल तो ये वाला पोज रहने वाला है, जो कि पंपकिन हाथ में लेकर ये बंदा खड़ा हुआ है, एंड पंपकिन के कानों के ऊपर से कुछ फ्यूचरिस्टिक चीजें हो रही है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये पोज भी मुझे ठीक ठाक सा ही लगा। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम पहुंचते हैं लास्ट के तरफ, तो यहां पर ऐसा कुछ किल एनिमेशन नजर आएगा, जो कि लिटरली तालियों से बंदों को किल करता है, एक मैजिक या फिर मैनिपुलेशन विद द पंपकिंस यहाँ पर क्रिएट किया जा चुका है। काफी ज्यादा बेहतरीन पोज मुझे लग रहा है किल एक्चुअली एनिमेशन। लेकिन द अंत जो कि होने वाला है कुछ ऐसा डांस के साथ सुपर पास, एंड उसके बाद ही हमको 50 लेवल वाला प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा हमारा। फिलहाल ये डांस मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, उतना कुछ खास नहीं है इस डांस के अंदर।
लेकिन जी हाँ, ये भी एक इनफाइनाइट इमोट होने वाला है, सो मेरे लिए काफी अच्छा है। एंड 70 लेवल मतलब कि हमारे 45 लेवल के अराउंड पर ये वाला पंपकिन मास्क आपके पीठ में आ जाएगा, जो आपने पोज देखा था हाथ में लेकर खड़ा होता हुआ, वही पंपकिन आपके बैक पर देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है, क्योंकि एक पंपकिन थीम के हिसाब से मुझे लगता है काफी बढ़िया ही है ये पोज। लेकिन वही पे अगर हम बात करें लास्ट, जी हाँ, लास्ट वाले प्राइस के बारे में, जो कि रहने वाला है हमारा ये पंपकिन हेड। जी हाँ, ये पंपकिन हेड भी इनफाइनाइट इमोट कर सकता है शायद, मुझे इतना लग रहा है, एंड देखकर काफी बेहतरीन लग रहा है ये पंपकिन हेड को। उसके साथ ही साथ गाना भी बजता चलता है, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया है। आप देख ही सकते हो, आप इसे घुमाकर भी देख सकते हो हवा में ही, जो कि काफी तगड़ा बात है। एंड मैं तो ये पंपकिन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ ये सुपर पास लेने की सोच रहा हूँ। जरूर आप चैट पर बताना आप लोग सुपर पास ले रहे हो कि नहीं, और कॉमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बताना ना भूलना कि सुपर पास क्या मुझे गिव अवे करना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल यही था पूरा का पूरा सुपर पास सीजन 17। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।